सौतेली हो मानता। मानोर, कहाँ गई थी तुम? सहर के घर जा रही थी, बताया तो था। तुम जानती तो वो कितनी बातें करती है, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं लगा। सहर की कॉल आई थी मेरे पास। ओह सॉरी, मैंने सहर बोल दिया, मैं सहर के घर गई थी। अब तुम के नाम मिलते जुलते हैं ना, इसलिए। नाहिल, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ बड़ी मामा ने मनाया कि आज तो ऐसी क्लास ली है ना, ऐसा थप्पड़ मारा उसे कि बस बच्चों की तरह रो रही थी। मुझे तो उसका चेहरा देख देख कर हंसी आ रही थी। वैसे बड़ी मामा ने मनाया और उसकी मामा के साथ बिल्कुल सही किया, ऐसी होना चाहिए उनके साथ। जी। अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? वो नींद नहीं आई थी। खैरियत है, तबीयत तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। सही, कोई काम था हमें? हाँ बेटा, वो मेरी दवाई खत्म हो गई थी, कल मुझे ला देना याद से। जी कल ले आऊंगा। और अब सो जाओ, बहुत देर हो गई बेटा। जी मम्मी। या फिर मैंने तुम्हारी और अपनी पे बहुत फर्क की है। देखो हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। या फिर कल हम सी साइड जाएंगे, मेरा बहुत दिल है तुम्हारे साथ जाने का। क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा?
बहानेबाजी बंद करो। कोई जरूरत नहीं जवेरिया की फिक्र करने की, मैं हूं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरी अम्मी से? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर में मुझे किससे किस तरह बात करनी चाहिए? अगर अम्मी ड्रामेबाज है तो आप भी ड्रामेबाज हैं, और ये जो झूठा प्यार आप जवेरिया को दिखा रही है ना, ये सब भी ड्रामेबाजी। शट अप। नाहिल, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने पिक नहीं किया मेरा फोन। ऐसे ही दानिया, कुछ नहीं। नाहिल, तुम रो रही थी। नहीं दानिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे साफ साफ लग रहा है तुम रो रही थी। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा दानियाल, मैं ठीक हूँ। नहीं, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है? तुम तो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती हो ना, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ। मैंने ताई अम्मी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा दानियाल, मैंने बहुत कोशिश की उनके दिल में जगह बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाई। क्या मैं इतनी बदतमीज हूँ कि जिसका दिल करता है मुझे आके डांटता है और मुझ पर हाथ उठाता है? क्या देख रहे हो तुम? उससे मिलने के लिए अपने घर पे झूठ बोल के आई हो। देख लो, तुम्हारे लिए अब मुझे ये भी करना पड़ रहा है। किसी ने ठीक कहा है कि मोहब्बत इंसान से वो सब कुछ करवा देती है जो करना नहीं चाहता। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे? हाँ, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा मुझसे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करते हो ना मुझसे, ऐसे वैसे टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर। अरे आंखों को छोड़ो, अपने दिल की बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल, मेरा दिल कहता है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक कहता है मानो, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं, जो लड़का तुम्हें बचपन से ना पसंद था, नफरत करती थी तुम जिससे, उसकी मोहब्बत में मुब्तला कैसे हुए? जो इंसान किसी के लिए अपनी जान तक की परवाह ना करे, उस इंसान की कदर करनी चाहिए। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम मेरे लिए। तुम लड़कियां ना बहुत बेवकूफ होती हैं, जाने ना जाने ऐसे किसी ना किसी पे भरोसा कर लेती हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो? छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम घर पर जाकर क्या बताओगे? वो मैंने सोच लिया है। तुम इसे पियो और बताओ कुछ ऑर्डर करना है। तो बिल्कुल वसीला नहीं है भाई, इतना महंगा होटल बनाया है बगैर इसके दे दिया। वेटर, हाँ भाई जरा। क्या हुआ? चल खाना खा लो, मुझे भूख नहीं
बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है तुम्हें। मैंने ताई अम्मी से कोई गलत बात नहीं की थी, ये शायद मेरी ही कमजोरी है। फरीन भाभी ने इस तरह तुम पर हाथ उठा लिया और मैं कुछ कर भी नहीं सकी। क्या करूं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बेबस है। आ जाओ, खाना तो खा लो ना। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी है ना, थोड़ा सा खाना खा लो। मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें मिनाहिल? मेरे बेटे के घर आती मेरी शिकायतें शुरू कर दी तुमने। हम माँ बेटे को दूर करके तुम्हें क्या मिलेगा? कितनी नफरत भरोगी मेरे बेटे के दिल में? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? ताई अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठी हूँ मैं? बस करें भाभी, अब मेरे कमरे में खड़ी होकर मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है। आपको कोई गलत फहमी है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। इस लड़की की वजह से दानियाल ने मुझसे बदतमीजी की है। मेरा एक ही बेटा है, वो भी ये छीन लेना चाहती है। जितनी मासूम है उतनी नजर नहीं आती। जब हीरा के साथ सुतेले बंद करती है। क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? क्यों पूरा घर सर पे उठाया हुआ? मैं शोर कर रही हूँ? जुबैर भाई, मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। असल हाँ हाँ, लगाओ आग, लगाना शुरू करो आग भाई। बेटे को तो मेरे खिलाफ कर ही दिया है, अब मेरे शोहर को भी मेरे खिलाफ कर दो, छीन लो इनको भी। मामा क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाएं। रो नहीं तो क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। ताहिब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने दानियाल को कुछ नहीं कहा था। हाँ, सारा कसूर मेरा है। मैं तुम दोनों माँ बेटियों के पीछे पड़ी रहती हूँ, जुल्म करती रहती हूँ, तुम लोग पे सब कसूर मेरा। मैं बुरी औरत हूँ। अच्छा अच्छा ना, अच्छा बस चुप हो जाओ। देखो मुलाज़मीन हैं घर में, तमाशा लग रहा है, मत छोड़ कर। चलो मेरे साथ आ जाओ। चलो बच्चों आप लोग भी आओ। चलो जवेरिया, तुम क्लास नहीं ले रही? मेरा मूड नहीं हो रहा था, सच पूछो तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। अच्छा, तो फिर तुम यूनिवर्सिटी क्या करने आती हो? मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ भाई। मनाहिल से मेरी बनती नहीं है। मानू आजकल पता नहीं कहाँ लगी रहती है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। घर में रहकर बोर हो जाती हूँ तो सोचती हूँ कि यूनिवर्सिटी ही आ जाऊँ, तुमसे बातें कर लूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो जी बड़ी मामा। सॉरी बड़ी मामा, मैं तो नहीं आ सकती, वो एक्चुअली मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा ठीक है, वैसे आपको कब तक जाना है? अच्छा मुझे अगर आना हुआ तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। जी अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था? बड़ी मामा का, कह रही थी मैं उनके साथ शॉपिंग पर चलूं। उन्हें 1 से 1.5 घंटे में जाना है और यूनिवर्सिटी की बात तो हमारा खुद का प्लान था, उसलिए मैंने मना कर दिया। जवेरिया वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। पर क्यों? मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे वहाँ पे पहुँचना है। कैसा काम? बाद में बता दूँ तुम्हें, बहुत जल्दी है, मैं तुमसे भी बाद में बात करता हूँ। I'll see you now. Bye. अली हमें हमें मनाहिल को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए मनाहिल को? तुम्हारे और मेरे बारे में यार, कि हम दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे। देखो मनाहिल तुम्हारी बहन है, वो जरूर तुम्हारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही मौका देख के बताऊंगा। तुमने बिल्कुल चुप रहना है, किसी को नहीं बोलना कि हमारा आपस में कोई बातचीत चल रही है। पर क्यों? देखो अली बाकी सबका तो ठीक है, पर मनाहिल
वो तो तुम्हारी बहन है ना, और तुम्हारी बहन होने के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आई एम श्योर उसे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं जानती हो, मना कर दिया ना एक मरतबा, बस जैसे चल रहा चलने दो। वैसे मुनासिब वक्त देख के मैं खुद बात करूंगा मनाई से। अब चुप क्यों हो गई हो, क्या सोच रही हो? पता नहीं भाई, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मैं नाहिल को बताने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना मेरी जान, प्रॉब्लम है। समझती क्यों नहीं है तुम? जिद करती हो है? समझाया है ना, तुम जानती नहीं तुम्हारी इज्जत ना मुझे अपनी खुशियों से बढ़ के है। मैं नहीं चाहता कोई तुम पे बिला वजह उंगली उठाए। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? शक कर रही हो मुझ पर? हाँ नहीं ऐसी बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल शक नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है आपकी मोहब्बत पे, खुद से ज्यादा। और किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं, कोई भी नहीं था। मैंने अभी देखा तुम फोन पे बात कर रही थी, और मुझे देख के अचानक से फोन क्यों रख दिया तुमने? अच्छा वो तो एक रॉन्ग कॉल थी यार, सर खा गया मेरा, कब से समझा रही थी मैं उसे। अच्छा ठीक है, वो जो मैक्रोनी तुमने गर्म करने के लिए रखी थी ना, वो जल गई है क्या? जी नहीं नहीं, मेरी मैक्रोनीज, मेरी मैक्रोनी। ये तो अली भाई का नंबर है। नहीं जरूर चक्कर लगाऊंगी, बल्कि मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन अब पता तो है लाइफ इतनी बिजी हो गई है, बच्चियों के काम करना, अभी भी घर से निकली हूँ घर की चीजें लेने। तो भाई तुम आ जाओ ना, चलो मैं जुबैर से कहूंगी कि वो ही मुझे लेके आ जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं। हाँ अमीन, गाड़ी क्यों रोक दी है? कोई बाइक वाला है? मैं बाद में फोन करती हूँ। चाहे सौतेली हो मानता। भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। आज सारा दिन आप कहाँ थे? इधर ही था कुछ दोस्तों के साथ। क्यों? ताई अम्मी से मुलाकात हुई थी आपकी। चाहे सौतेली हो मानता।